खिचड़ी दी फूड चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम रोशन की रसोई के अंतर्गत आपके लिए लेकर आए हैं मैंगो कस्टर्ड की रेसिपी। मैंगो कस्टर्ड की रेसिपी बनाने के लिए हम सबसे पहले सौंफ और इलायची मैंने रखी है। हम कस्टर्ड में खुशबू लाने के लिए और इसको और अधिक पौष्टिक बनाने के लिए जो है सबसे पहले जो है इसको थोड़ा सा एक आधा कप पानी में जो है इसको अच्छी तरह से जो है उबाल लेते हैं। हम अभी दोनों गैस पर काम करेंगे। ये देखिए, जब तक हमारी जो है ये उबलती है तब तक हम अपना कस्टर्ड जो है वो तैयार कर लेते हैं। मैंगो कस्टर्ड तैयार करने के लिए हमने सामग्री जो ली है उसमें चीनी है, क्रीम है, मैंगो और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट, थोड़ा सा अनार और इसके साथ ही कस्टर्ड पाउडर जो है हमने लिया है और साथ में जो है दूध का हम उपयोग करेंगे। बेटर होगा कि आपके पास भैंस का दूध हो और वो भी फुल क्रीम। हमने लगभग जो है 800 ग्राम के आसपास दूध लिया है और अब हम इसको अच्छी तरह से उबाल लेते हैं। थोड़ा सा दूध हमने जो है निकाल लिया है ताकि हम कस्टर्ड का घोल बना सकें। अलग से दूध में जो है पहले 2 चम्मच हमने जो है कस्टर्ड पाउडर लिया है। और इसको अच्छी तरह से जो है मिक्स कर लेते हैं जब तक हमारा दूध उबलता है। इधर हमारा ये पानी तैयार हो गया है। देखिए, अच्छी तरह से इसमें अपना कलर भी आ गया है। अब हम इसको जो है बंद कर दें हैं। इसमें अच्छी खुशबू भी उठने लगी है। इसको ठंडा होने देते हैं। दूध की मात्रा को देखते हुए हम थोड़ा कस्टर्ड पाउडर इसमें और ऐड कर देते हैं, 1 चम्मच के आसपास। और जब तक हमारे दूध में उबाल आता है हम अपना मैंगो छील कर तैयार कर लेते हैं, इसका पल्प निकाल लेते हैं। मैंगो हमने जो है सफ़ेदा किस्म का लिया है। दूध को जो है बराबर चलाते रहें ताकि दूध लगे नहीं, और यदि दूध आपका लग जाता है इसमें तो इसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। अब जो है हमने गैस को लो फ्लेम पर कर दिया है और दूध हमारा जो है अच्छी तरह से जो है उबल गया है। हम इसमें अपना कस्टर्ड पाउडर जो है वो ऐड करते हैं। कस्टर्ड पाउडर एक साथ नहीं ऐड करके 2 बार हम इसमें जो है ऐड करेंगे। इसको मीडियम जो है गैस पर हम रखेंगे और धीरे धीरे चलाते हुए 7 से 8 मिनट तक जो है अच्छी तरह से उबाल लेते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी जो है एकदम बढ़िया से हो गई है और ये ठंडा होने के बाद जो है और अधिक गाढ़ा होगा। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं, हमने अपना जो इलायची और सौंफ का जो पाउडर था वो थोड़ा सा इसी में ऐड कर देते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए फिर से उबलने देते हैं। कंसिस्टेंसी जो है बिल्कुल तैयार हो गई है। हम इसको गैस को बंद कर देते हैं और अब हम जो है अपना अगला प्रोसेस शुरू करते हैं। ये आम हमने छील लिया है, आम का पल्प जो है हम निकाल लेते हैं।
मिक्सी के जार में जो है इसे शिफ्ट कर लेते हैं। और इसी में हम जो है लगभग 3 से 4 चम्मच चीनी हमने रखी थी वो इसमें हम ऐड कर देते हैं और इसको अच्छी तरह से पीस लेते हैं। ये देखिए ये अच्छी तरह से बढ़ के कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी आई है। अब हमारे पास जो है ये चीज़ें हो गई हैं, उधर क्रीम रखी हुई है, इधर हमारा मैंगो पल्प रखा हुआ है और इधर हमारा कस्टर्ड पाउडर रखा हुआ है। हमें बीच बीच में कस्टर्ड पाउडर को चलाते रहना चाहिए ताकि इस पर पपड़ी ना आए। अब हम मैंगो पल्प जो है इसमें जो है मिक्स कर लेते हैं। ये इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, इससे हमारा जो कस्टर्ड पाउडर था और गाढ़ा भी हो जाएगा और जो है इसकी एक अच्छी शेप आ जाएगी। अब हम इसमें जो है क्रीम, हमने जो फ्रेश क्रीम रखी थी वो क्रीम जो है इसमें ऐड कर लेते हैं। अब हम जो है इसे अपने जो सर्विंग बाउल्स हैं उसमें जो है शिफ्ट कर लेते हैं। इसमें हम डाल देते हैं कुछ मैंगो पीसेस, और साथ में कुछ गार्निश के लिए थोड़ा सा ड्राई फ्रूट। ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है और हमारा मैंगो कस्टर्ड जो है पूरी तरह से खाने के लिए तैयार है। ये देखिए मैंगो कस्टर्ड की हमारी रेसिपी बिल्कुल खाने के लिए तैयार है, परंतु अभी इसमें इतना मज़ा नहीं आएगा, पहले हमको इसे लगभग 2 घंटे तक फ्रीजर में रखना पड़ेगा। जब तक ये ठंडा नहीं होगा तब तक इसका खाने का मज़ा नहीं है। तो अब हम इसको जो है फ्रीजर में जो है रख देते हैं। 2 घंटे का समय हो गया है, हमने अपनी जो है मैंगो कस्टर्ड्स को बाहर निकाल दिया और उसी तरह से एक छोटी ट्रे में रख दिया है। ये बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। मुझे लगता है कि हमारी मैंगो कस्टर्ड की रेसिपी निश्चित रूप से आपको जो है पसंद आएगी और आप जब बनाकर खाएंगे तो लगेगा आपको कि ये बहुत ही अच्छी रेसिपी तैयार हुई है। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप अधिक से अधिक हमारी इस रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो भूलें ही नहीं। धन्यवाद।